मजे में है ना। आज हम काल परिचय का अभ्यास करेंगे। काल किसे कहते हैं? तो काल का अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है वक्त, वक्त यानी समय, काल बराबर। अब वाक्य में हम काल को किस तरह पहुंचाते हैं? तो यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। लड़का खेलता है, लड़का खेलता था, लड़का खेलेगा। यहाँ देखिए खेलने की क्रिया हो रही है। लड़का खेलता है, खेलता था, खेलेगा। खेलने की मुख्य क्रिया क्या है? खेलने की। अब लड़का खेलता है, वाक्य के अंत में है लिखा खेलता है, यानी कि लड़का खेलता है अर्थात खेलने की क्रिया अभी जारी है, यानी कि लड़का खेल रहा है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल को सूचित करता है। लड़का खेलता था, लड़का खेलता था यानी कि इस वक्त वह नहीं खेल रहा है। लड़का पहले खेलता था, अब वह नहीं खेलता, यानी खेलता था, तो यह वाक्य भूतकाल को सूचित करता है। लड़का खेलेगा यानी कि लड़का जो है वह ना ही खेल रहा है और ना ही खेलता था, वह अभी खेलेगा यानी कि उसका खेलना बाकी है। खेलेगा, खेलना बाकी यानी क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, क्रिया शुरू होने में अभी समय है यानी क्रिया अभी बाकी है, यानी यह वाक्य भूतकाल को सूचित करता है। मित्रों क्रिया के जिस रूप से उसके होने का हमें बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो उसे हम काल कहते हैं, यानी कि क्रिया कौन से समय में घटित हुई उस समय को हम कहेंगे काल। यहाँ देखिए काल के तीन प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर हमें इस काल को याद रखना है कि वाक्य में किस तरह काल को पहुंचाना है, तो हमारी किताब में सुंदर एक रचना दी गई है, उसे हमें याद करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर है हो हूँ वर्तमान है, आए ई था थे थी भूत, गागे भी को भविष्य जानो, लो बच्चों अब काल पहचानो। इसके माध्यम से हम आसानी से काल पहचान सकते हैं। वाक्य में ऐसे क्रियासूचक शब्द अगर हमें मिलते हैं तो उसी के आधारित हम बता सकते हैं कि यह क्रिया कौन से समय में घटित हुई है। यहाँ देखिए रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था, अंत में और यहाँ है बराबर आ ए ई था थे थी भूत, यानी कि वाक्य के अंत में अगर ऐसे शब्दांश हैं तो हमें समझना है कि यह वाक्य भूतकाल को सूचित करता है, यानी कि रजत गा नहीं रहा था, वह तो कविता बना रहा था, यह वाक्य भूतकाल को सूचित करता है। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, हे वाक्य के अंत में अगर हे आता है तो वह वर्तमान काल को सूचित करता है। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, बराबर अब मैं तेरी बात मानूंगा, अब तक वह नहीं मानता था परंतु अब वह मानेगा, यानी कि गा, गागे गी को भविष्य जानो। अगर वाक्य के अंत में गागे गी है तो उस वाक्य को हमें भविष्य जानना है, यानी यह वाक्य भविष्य काल को सूचित करता है। यहाँ देखिए लड़का खेलता है बराबर है आता है अंत में, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल को सूचित करता है। लड़कियां खेलती हैं बहुवचन में है, इसलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल है। तुम खेलते हो, मैं खेलता हूं, यानी कि ये सभी वर्तमान काल को सूचित करते हैं। मोहन पेंसिल लाया, अंत में आ आता है ना, उसी
गर्भ में आ दिया गया है। मोहन पेंसिल लाया, वह पेंसिल ले आया, इसलिए भूतकाल को सूचित करता है। एन, तुम आ गए, अंत में ए आता है, इसलिए यह वाक्य भी भूतकाल को सूचित करता है। ई, मीना चॉकलेट लाई, मीना पेंसिल लाई, रेखा किताब लाई, ई अंत में आता है, तो इसका अर्थ है यह वाक्य भी भूतकाल को सूचित करता है। था, थे, थी, यहाँ था का उदाहरण है देखा, तो यह था जो है वाक्य के अंत में आता है, तो वह भूतकाल को सूचित करता है। थे, लड़के खेलते थे, खेलते थे, यानी कि यह वाक्य भूतकाल है। लड़की खेलती थी, स्त्रीलिंग में है, लड़की खेलती थी, तो यह वाक्य भी भूतकाल को सूचित करता है। मोहन गाएगा, यह वाक्य भविष्य काल को सूचित करता है। लड़के गाएंगे, बहुवचन में है, लड़के गाएंगे, लड़कियां गाएगी, बराबर, तो गाएगी अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो उसे हमें भविष्य काल में वाक्य समझना है। इस तरह आप अच्छी तरह से क्रिया के जो काल होते हैं उसे समझिए। काल के जो तीन प्रकार हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए। अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसके माध्यम से उसके प्रकार बता सकते हैं, काल को पहचान सकते हैं, और इसका अभ्यास अच्छी तरह से आप कीजिए। जय महाराज जी।